स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। वस्तु अगोचर देह में सतगुरु, वाह, ये अगोचर वस्तु गुरु दिया। सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। अब वो चीज अपना काम करती जा रही है, नाम के रे प्रतापते भय अन के अन, ऑटोमेटिक सिस्टम हुआ। एक छोटी सिम दे दी ना, किसी के पास एयरटेल की है, किसी के पास BSNL की है, छोटी सिम आपने अगर इंस्टॉल की आपके मोबाइल में, पूरे सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपका मसला नहीं है, एक्सचेंज उसको कनेक्ट कर रही है। इस तरह नाम गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। यदि गुरु मिलने के बाद भी आप उपम पोह में हैं, समझना सही, पारस से परसा नहीं रहा लोह का लोह। इसलिए ये वस्तु एक सदगुरु देता है, ये वस्तु बड़ी अलौकिक है, ये वस्तु बड़ी निराली है। यह है नाम। तभी साहब कह रहे हैं, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटन करे उपाय, कलि में केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतरह पारा। कलि यह नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधावई, तज काग चाल मराल मति गह। भैया मराल कहते हैं हंस को, कौए की चाल छूट जाएगी, मराल हंस। बस आपके जीवन में जो बदलाव है वो यही है, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। अरे भाई साहब तो गवाही मिल रही है, कौए से हंस बना दिया, कागा तो हंस बना दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। ये मैं क्या है? अरे भैया ये मैं, जो ये मैं है, ये मन, मन के चार रूप, मन बुद्धि चित्त अहंकार और मन की वृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जहां मन है उसकी वृत्तियां होगी। मन की वृत्ति है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आग की वृत्ति है तपिश। चाहे चंदन की लकड़ी भी आग जलाओगे, आग लगी तो वो चंदन जो शीतलता देने वाला है वो भी हीट देगा, ये उसकी वृत्ति है। मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, इसे काबू करना है। जो कोई कहे मैं मन को चीना, इसकी रूप ने रेखा पलक पलक में वो दिखलाए, जो सपने नहीं देखा संतो मन का करो विवेका। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इस तरह ये शब्द, ये नाम, सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। बस नाम मिला सब मिला, काम बन चुका आपका। एक बार भी मेरे मुंह से आपने नहीं सुना होगा कमाई करो, इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा हूं कि सुरती नहीं करना। मैं कहा कमाई शब्द नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, कृपा अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। सुरत करो मेरे साईया, हमारी दिशा क्लियर है, हम कहीं भटक नहीं रहे, उलझा नहीं रहे, बिल्कुल। मेरी 45 साल पुरानी कैसेटें हैं उसको भी सुनना, यही चीज मिलेगी। ठीक है, हम अपना स्टैंड नहीं बदल रहे, अपना हम तत्व नहीं बदल रहे। ये नाम हमेशा आपका काम बन चुका, आपने उन्नति करना है कभी नहीं बोला, उन्नति होती जाएगी। क्या उन्नति होती जा रही? बिल्कुल। एक चौकीदार आपके साथ है, जहां गलत करते हो अंदर से संदेश मिलते जाएंगे, जहां चूकोगे इशारे मिलते जाएंगे, जहां भटकोगे डायरेक्शन मिलता जाएगा, जहां आसक्त होगे अंदर से संदेश मिलता जाएगा, जहां अनचुत होगा खबर मिलती जाएगी। ये काम तुम्हारे बस की नहीं है। कितने तपसी तपकर डारे, काया डारी गाड़ा,
भाई ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा, वो पार ये सब होता जाएगा। आपको सिर्फ कहा क्या कहा, जो चीज दी वो संभाल लेना, फेंक मत देना। आपको तो प्रिजर्वेशन बताया, केवल गेन करना नहीं बोला, सब बनता जाएगा। तो हम अंदर की दुनिया देखने की बात करें, सुरता रखना, बस सुरता रखना। केवल मैं सुरत योग की बात कर रहा हूं, सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतो ना जाए। क्या हो जाएगा, नहीं तो मन आपकी सुरती को कुंद करने की कोशिश करेगा। किसी को अगर कैंसर हो गया, डॉक्टर कीमोग्राफी कीमोथेरेपी करके या कुछ भी करके वो ठीक कर दिया, आगे परहेज बता रहा है, कह रहा है तुम्हें ठीक कर चुका हूं पर आगे अल्कोहल का यूज नहीं करना, तंबाकू का यूज नहीं करना, नहीं तो दोबारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो परहेज बता रहा है, मैंने तो आपको परहेज बताई है, केवल परहेज कि सुरती को अब दुनिया में नहीं घुमाना, मन से थोड़ा सतर्क रहना, होशियार रहना, सुरती कुंद नहीं होने पाए। सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतो ना जाए। मन को आपसे खतरा है, काल निरंजन को आपसे बड़ा खतरा है। वो क्या चाहता है, आप ज्यादा चेतन नहीं हो, आप पार हैं, वो ये तो वो भी जानता है, फिर उसको खतरा क्या है, क्यों हमला कर रहा है। भूले चूके जीव की कबीर दीन है बाट, धर्म राय दरबार में मत कोई रोको बाट। सुनो, उसको ये खतरा है, पंचाल ज्यादा चेतन हो गया 50-100 आदमी और खींच जाएगा, बस ये है उसको खतरा, यही है उसको, यही खतरा है। क्योंकि जलता हुआ दिया ही दूसरे बुझे दियों को जलाता है। इसलिए गुरुमुख लाहल ले गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। इस दुनिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कर्म हैं, सबसे अच्छा काम है जीव को भक्ति की तरफ खींच के लाना। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गऊ फल पाए। अगर एक जीव को भक्ति में जोड़ा, हजारों गायों को करोड़ों गायों को कसाई से छुड़ाने के बराबर है। क्योंकि आदमी ऐसे नहीं आएगा भक्ति में, आपके नियम कठिन लग रहे हैं, दूसरा जो प्राचीन पद्धतियों में आदमी उलझा हुआ है उसे खुरेदना पड़ेगा। जैसे दूध दूध दधि माखन बिन बदे भेद न घी का, उसे खुरेदना पड़ेगा, उसकी शंकाओं का निराकरण करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, फिर वो फॉलो कर लेगा। तो बंधुओं, अब ये कैसे सूरत संभालना, सहजो जग में यो रहो जो जिभ्या मुख माए, घी घड़ो ही खाते हैं पर चिकनी कब हो ना है। हमेशा ये सुरती रखना गुरुशरण में, सूरत चेतन होगी, गुरुदर्शन से बहुत चेतन होगी। प्रमाण आप देखते हैं, जब मुझसे आपकी मुलाकात हो जाती है कुछ दिन तो मन इतना सरल रहता है कोई हरकत करता ही नहीं होगा, सही नहीं है। जैसे अंतराल बढ़ता है यह भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए साहब ने एक शब्द में कहा, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू या का मेहजिम करे बहुत उपकार। भाई एक बात सुनो, मैं रात दिन इतनी भागा दौड़ी क्यों कर रहा हूं, मैं तो पैसा इकट्ठा ही नहीं किया, मैं तो बोला हूं भाई जो ये सिद्ध करेगा, मेरे पास कहीं भी 1,00,000 रुपया है उसको 5,00,000 रुपये इनाम दूंगा। इतने जब मैंने एक जगह ये बात बोली, एक मेरा शिष्य खड़ा हुआ, बोला गुरु महाराज गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, जब आपके पास रुपए ही नहीं है 5,00,000 कहां से दोगे फिर। मैं बोला बात सुनो, तब मैं कहूंगा एक आके ला 1,00,000 रुपया उधार दे दे, ए भाई पंचाल जी 1,00,000 रुपया दे दो बाद में चुका दूंगा, वो 5,00,000 कलेक्ट करके दे दूंगा। मेरी चैलेंज है, मैं पैसा रखा ही नहीं, 125 आश्रम बना दिए, अपने नाम कुछ नहीं रखता हूं, मैं घूमता फिरता हूं। ये अहंकार वश थोड़ी बोल रहा हूं, तो मैं इतनी भागा दौड़ी का मतलब क्या है, मेरा कोई बेटा बेटी भी नहीं है, सन्यासी हूं, शादी की ही नहीं है, ये सब आपके हवाले होगा। इतनी मेहनत का लक्ष्य क्या है, एक ही, जीवों को भक्ति में जोड़ना।
किसी से फ्रॉड कर ही नहीं रहा हूं। देखा किसी से मांगा क्या पैसा कि मेरे इस अकाउंट नंबर पर पैसा भेज दो। सैनिक हूं मैं, फौज में जूनियर कमीशन ऑफिसर था, सूबेदार से रिटायर हुआ, 16,000 पेंशन ले रहा हूं, रोटी उसी से खा रहा हूं, आपकी नहीं खा रहा हूं। शिष्यों के धन से कोई मौज मस्ती नहीं करता हूं, झोला टांगा अकेला निकल पड़ता हूं, ठीक है, कोई बॉडीगार्ड फाड़ीगार्ड नहीं। लोग इतने डरपोक हैं, करंट चारों तरफ लगाकर तब सोते हैं, भय है उनके अंदर, अपन फ्री हैं, हम घूम रहे हैं, हम डाकू हैं ही नहीं, हम एकांकी जीवन जी रहे हैं। जहां इच्छा हुई झोला उठाया चल पड़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2002 में मैं कश्मीर यात्रा ले गया, हजारों आदमी, शांति यात्रा। मुझे लोग कहने लगे गुरुजी वहां मत जाओ, कहीं से भी ग्रेनेड आ जाता है, फायरिंग चलती रहती है, इतनी मार्श लेकर जाओगे खतरा है। मैं कहा चिंता की बात नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगबेरी होए। आप मानेंगे मैं कोई भी बॉडीगार्ड नहीं लिया, कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया, हजारों लोगों को ले गया। श्रीनगर में 3 दिन रैली की, सबको घुमाया, प्रवचन किया ओपन 3 दिन। अरे भरोसा तो रखिए, जो खुद डब्बू डरपोक हैं कि मर जाऊंगा, है मर जाऊंगा, आपको अभयता देगा कहां से? वो आपको अभयता दे ही नहीं सकता है, वो खुद डर रहा है। मुझे वहां गवर्नमेंट ने बॉडीगार्ड दिया, तो मेरे एक आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा गुरुजी ये बॉडीगार्ड। मैं कहा भैया किस लिए? बोला इससे शान भी बनती है, सुरक्षा भी मिलती है। मैं बोला इससे तो बड़ा घाटा है। बोला क्या घाटा है? मैं बोला सुनो, लोग कह रहे हैं गुरुजी हमने जीवन आपके हवाले कर रखा है, मैं अपना जीवन पुलिस वाले के हवाले कर दूं तो वो सोचेंगे, उनको बार बार सवाल उठेगा कि हमने तो अपना जीवन इनके हवाले कर रखा है, इन्होंने अपनी जान पुलिस वाले के हवाले कर रखी है। मैं कहा भैया बड़ा नुकसान होगा, रहने दो। मैं कहा रहने दो, इससे बड़ी क्षति है। वाह, सुनिए आपकी भी सुरक्षा हो रही है। कई ओकेजन पर आपने देखा होगा जब जीवन में समस्या आई, कहीं क्षति होने वाली है, कहीं मौत के सम्मुख पहुंचे होंगे, उस ताकत ने आपको सेफ करके बिल्कुल सेफ प्लेस पर पहुंचाया होगा, ठीक है। ये अनुभूति आपको होगी, मेरे जीवन में ये बहुत अनुभूतियां हैं। अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको, अर्ज समझते ना, प्रार्थना। साहब क्या बोल रहे, मेरी अर्जी है यही, तेरी मर्जी होए, मैं कुछ मांगता भी रहूं मत देना, जो तुझे ठीक लगे वही करना। मैं जो कुछ मांगूंगा अटपटा होगा, मुझे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। सो ही कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याण। बस इतनी कृपा करना, दुख जितने दे सको दे देना, लेकिन सहने की ताकत दे देना, ठीक है। सुनो कभी कभी दुख भी आएंगे, क्यों? जब सुखी सुख होंगे, एक भी माई का बच्चा सतलोक नहीं जाना चाहेगा, कहें इतने ही मजा है, ठीक है। हे प्रभु बस ऐसा प्रभाव भर देना, मुसीबत में हार नहीं मानू, ये तेरी मर्जी है, चाहे कितना भी दुख दे, ये तू जान। जीवन को हमने सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मेरा हित अनहित मुझे नहीं पता, सोई कीजिए कृपा निधाना, जासे हुए परम कल्याण। मैं कुछ मांगू मुझे नहीं पता है कि उससे मैं उलझ जाऊंगा माया में, तू मत देना, अगर वो मेरे हित में नहीं है तो। मां बच्चा रोए भी, मां को कहे चाकू दो खेलूंगू खेलूं, मां नहीं देती है, वो जानती है ये नुकसान कर बैठेगा अपना, रोए तभी भी नहीं देती है। इसलिए जिससे मेरा हित नहीं है, मैं मांगू तभी भी मत देना, बस वही करना, सोई कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याण। ये नहीं है थोड़ी तकलीफ आ गई अब बाबे नाथ की तरफ पहुंचे कि गुरु महाराज ने हमें तो ये काम किया ही नहीं, अब तुम्हारी तुम्हारे, तो वो कच्चा जीव विचलित हो जाएगा। पक्का रहना, मजबूत रहना। साहब वाणी में कह रहे हैं द्वारे धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज है, जो दर छाड़ न जाए।
तेरा भाणा मीठा लगे, नानक देव जी कह रहे हैं। ठीक है, अगर किसी दिन रूखी रोटी थी मस्त होके खाना, सोचना शायद बाकी चीज़ें आज गड़बड़ करने वाली थी पेट में, इसलिए रूखी रोटी आज मिल गई है। कभी घी घणा, कभी रूखा चना, कभी वो भी मना, फकीरी फिक्र का फाका करते हुए चलते रहना, काम एक ही करना, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। आइए हम भक्ति विषय पर बात करते हैं। आखिर हम कौन सी भक्ति बोल रहे हैं? मुझे एक बार एक आदमी मिला, उसने मुझे कहा, क्या महाराज आप क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? अध्यात्म और आंतरिक भक्ति का। उसका सवाल था क्या आपसे पहले अध्यात्म भक्ति और परमात्मा का संदेश कोई और नहीं दिया? आप देखें सवाल कितना तीखा था। उनका ये सवाल था, क्या आपसे पहले कोई अध्यात्म भक्ति की बात नहीं किया या आंतरिक जगत की बात नहीं किया? आखिर आप क्या नया दे रहे हैं? मैं कहा सुनो, समय समय पर भक्ति की बात दुनिया में हुई, दुनिया में हो रही है, आप अलग क्या बोल रहे हैं, खास क्या बोल रहे हैं? उनका एक सवाल था। देखिए, हम इस समय एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के युग में जी रहे हैं। एक गाड़ी है, कार है, तो थोड़े दिन में एक दूसरी कार प्रोड्यूस होती है मार्केट में। वो बोलता है, भाई हमारी गाड़ी में ये खूबी है, पावर विंडो है, पावर ब्रेक है, स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है। वो अपनी गाड़ी की खूबी बताता है। वो खूबी क्यों बता रहा है? ताकि ग्राहक हमारी तरफ आए, हमारी गाड़ी परचेस की जाए। इसी तरह मैंने भी बोला, दो भक्तियों से परे हटकर हम भक्ति की बात बोल रहे हैं। हम किसी भी भक्ति को खंडित नहीं कर रहे हैं। पहला है सर्वगुण भक्ति। हम सर्वगुण भक्ति के भी खिलाफ नहीं हैं। एक बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, उसे ए का वजूद समझाना पड़ता है, तो लिख कर ए ऐसे ऐसे ऐसे, ए तो एक उच्चारण है, उस ए के साथ एक एप्पल भी रख दिया, जबकि ए से बहुत कुछ हो सकता है। पर बालक को पहले ए का अस्तित्व समझाने के लिए एप्पल रखा, इसी तरह पहले परमात्मा के अस्तित्व को समझाने के लिए एक मूर्ति रखी। इसका महत्व तो ये है, जो मूर्ति घड़ा, जो पुजारी है उसको भी मालूम है ये पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उसका एक एम है। जो अभी तक अध्यात्म नहीं समझ सका है, उसे इजी तौर पर पहले एक आस्था में जोड़ना है। ऐसा
सत्संगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। जो अभी तक अध्यात्म नहीं समझ सका है उसे इजी तौर पर पहले एक आस्था में जोड़ना है। जैसे आजकल आप देखें बच्चे दौड़ने की प्रैक्टिस रूम में ही करते हैं, उसके लिए मशीनें बनी हुई है, उस पर वो दौड़ रहे हैं, बाहर स्पेस नहीं मिल रहा है। दौड़ना तो ग्राउंड में था पर वहाँ स्टेप को उठाने की कला सीख रहा है ताकि ग्राउंड में हम दौड़ पाए, वहाँ उसको ये ट्रेनिंग मिली। इसी प्रकार मूर्ति पूजा आगे अध्यात्म में जाने के लिए सहायक है। जब उसका अभी चिंतन विकसित नहीं हुआ है इसलिए उसे यहाँ तक पहले स्थापित किया कि पहले तुम थोड़े तैयार हो जाओ। बालक जब पढ़ता है उसे ककहरा स्वर व्यंजन या अलिप ये पढ़ाते हैं, जब थोड़ा समझ में आता है फिर आगे वाक्य रचना होती है, कमल आ खाना खा। पहले क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। एक छोटा बच्चा है वो अपनी मामा की गाड़ी में आ रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पीगो थी, गाड़ी टूट गई। जब उससे पूछते थे मामू की गाड़ी कहाँ गई तो वो कहता था मामू गाड़ी बस टूट गई, यानी आगे वाक्य पूरा नहीं बना पा रहा है, वो कह रहा है मामू मामू की नहीं बोल पा रहा है, अभी तक वो नहीं सीखा है उसे वाक्य नहीं, वो कह रहा है मामू पिगो बस टूट गई। वो ये कहना चाह रहा था मामू की गाड़ी बस से टकरा कर टूट गई, पर उसे सेंटेंस नहीं आ रहा था, वो यूँ कह रहा था मामू पिगो बस टूट गई, वो ये बोल रहा था। उसने ये सुना था बस बस होती है, उसे इतना पतला था टूटने का मतलब है डैमेज होना है, पर गाड़ी टूट गई ये वाक्य उसे पूरा बोलना नहीं आ रहा था, इसलिए वो ये कह रहा था मामू पिगो बस टूट गई। इसी तरह अध्यात्म एक बारीक विषय है, उसे समझाने के लिए सरगुण भक्ति है। अगर सरगुण तक ही आप रहेंगे तो भाई आप कुछ ना कुछ तो सीखे। बालक स्वर व्यंजन सीखा, कुछ ना कुछ तो सीखा, फिर उसे आगे प्राइमरी में से निकलता है मिडिल के लिए सिलेबस हार्ड देते हैं थोड़ा, आगे ग्रेजुएशन करता है तो और भी सिलेबस थोड़ा सा टफ कर देते हैं, जब पीजी करता है तो कुछ सिलेबस होता है कुछ अपने विचार रखने होते हैं उसे, लेकिन जब पीएचडी करता है तो उसको कोई भी सिलेबस नहीं देते हैं, कहते तू अपनी अपना रिसर्च बता, अपनी खोज बता, अपना अध्ययन कर, अभी तुझे कोई सिलेबस नहीं देंगे हम। देखा ना, उसके बाद फिर इसी तरह प्रभु की भक्ति है। आइए हम देखें, सर्वगुण भक्ति तक ही रहा तो थोड़ा बहुत तो मिल जाए भाई, जैसे प्राइमरी कर लिया, अब नौकरी करना चाहे तो उसे फोर्थ क्लास में मिल सकती है, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है। अगर वो सोचे कि प्राइमरी करके कहीं आईएएस ऑफिसर बने या कोई बहुत बड़ा जॉब मिले, नहीं मिलेगा। हाँ पढ़ लिख लेगा थोड़ा थोड़ा, वो पहुंच गया, हाँ लिख पढ़ लेगा,
पहले महाजन लोग अपने बच्चों को बताया कितना पढ़ाते थे, हिसाब किताब आए, गुणा भाग आए, लिखना पढ़ना आ जाए, भाई लिख ले, आगे नहीं पढ़ाते थे। कहते पढ़कर नौकरी करने से क्या फ़ायदा, बिजनेस करना है, उसको बिजनेस साइड में लगाते थे। उसके बाद निर्गुण भक्ति है, मैं जो नई चीज़ दे रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, आप मेरी बात थोड़ा समझे। निर्गुण भक्ति में पंच मुद्राओं का आयाम है, सर्गुण भक्ति में तो आपको कहा दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, गरीबों की सहायता करो, देवी देवताओं को मानो, अच्छा ठीक है ये बताया, ये बुरा नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो ठीक ही है, हम इसको खंडित नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरी वाला अगर सोचे आईएएस बनूं तो नहीं है, आगे स्कोप नहीं है। इस भक्ति से आप दो मुक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, सामीप्य सायुज्य, सामीप्य सालोक्य, सामीप्य में पितृलोक आदि में चले जाओगे, सालोक्य में स्वर्ग आदि लोकों में जाओगे, लेकिन पुनर्जन्म होगा, ये आत्मा फिर जन्म मरण के बंधन में आएगी, आप जमानत पर छूटे हैं, बरी नहीं हुए हैं अभी, आप केस ट्रायल पर हैं, जमानत पर छूटे, आप बरी नहीं हुए। दूसरी भक्ति है निर्गुण। निर्गुण भक्ति क्या है, जिसमें साकार भक्ति नहीं है, ये वैसा ही है जैसे अब पढ़ना लिखना सीखा, आप कैसे कमल नहीं बोलना है, सीधा कह बोलना है, अब कैसे कमल नहीं है, अब सीधा कह बोलना है, सीधा पा बोलना है, पैसे पतंग नहीं बोलना है अभी। उसमें साधक को अपनी कमाई करनी होती है निर्गुण भक्ति में, इसलिए योगी लोग, उनके दिमाग में एक चीज भरी होती है कि योग से हम अपने अंदर की ताकत जगाएं, ताकत जगेगी। योग कैसे हैं, जैसे अभी आपके पास ताकत है, अभी मैं मेजर साहब को बोलूं कि ये डेक उठाओ, उठाएंगे, ताकत निकली अंदर से, पर अभी ताकत कहाँ है, अभी नॉर्मल बैठे हैं, ताकत अंदर थी, जब चांस आया निकल, इस तरह वो मंथन करके ताकत निकालते हैं योग में। पर आप सावधान, योग कठिन है, योग के पांच आयाम हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। योग का पहला प्रिंसिपल है सेलिबेसी लाइफ, सेक्स नहीं करे, ग्रस्त योग नहीं करेगा, पहला सिद्धांत है। कालांतर में जितने योगी हुए सब ब्रह्मचारी रहे हैं, उसमें कंप्लीट ब्रेन को कंसंट्रेट करना होता है। साहेब ने भी वाणी में कहा जहां भोगता है योग विनाशा। देखिए सुखदेव, छह योगेश्वर हुए, दत्तात्रेय, सुखदेव, शिवजी महाराज, व्यास जी, गोरखनाथ आदि, ये सभी ब्रह्मचारी रहे। जो योगेश्वर हुए ये मोस्टली ब्रह्मचारी रहे। योग से क्या, अपने पूरे शरीर का मंथन करना है, इंडा पिंगला को लय करना है, टफ। थोड़ा आपको योग की क्रिया बताता हूं, जैसे जितनी भी एजुकेशन है स्वर व्यंजन से स्टार्ट होती है,
हिंदी है तो क ख ग घ ण आदि अण, उर्दू है तो अल्लब, अंग्रेजी है तो ए बी सी डी। इसी तरह योग पहले खट चक्र के शोधन से शुरू होता है। योग टफ है, लोग योग की बात कर रहे हैं, योग नहीं समझ पा रहे। योगी पहले फास्ट रखता है, दो दिन कुछ नहीं खाएगा। योगी एकांकी अवधूत होता है, फिर क्या करता है, टप पानी के टप में बैठकर मल द्वार साफ करता है, गुदा द्वार से पानी ऊपर खींचता है, फिर बाहर छोड़ता है, जिससे अन्न पेट में नहीं रहे। फिर क्या करता है, शिशन इंद्री को दूध खींचता है और बाहर छोड़ता है, बारह उंगल का सलाई लेता है शिशन इंद्री में डालकर, पेशाब भी कहीं नहीं रहे यूरिन की थैली में। उसके बाद चार उंगल चौड़ी और लंबी धोती लेता है, उसको गीला करके चबाता अंदर पेट में डालता जाता है, धोती क्रिया कहलाती है। एक सिरा पकड़ता है उसको, फिर बाहर खींचता है, उसको पानी में वाश करता है, ये तीन बार क्रिया करता है ताकि एक भी दाना अनाज का बॉडी में नहीं रहे। उसने इस क्रिया द्वारा मणिपूरक चक्र का शोधन किया। सवाहत लंबी दातुन लेता है, पानी के अर्थ पीता है, दातुन अनह चक्र तक पहुंचाकर सफाई करता है, पित्त नहीं रहे, कफ नहीं रहे। फिर कुंजल क्रिया करता है, कंठ को साफ करने के लिए पानी पीकर उल्टी करता है। फिर आज्ञा चक्र का शोधन करता है, नासिका से पानी खींचकर दूसरी नासिका से छोड़ता है, या कोई धागा आदि लेकर के एक नाक से निकालता है। ये छह चक्र योगी भेदता है। बाद में जीभ के तलुए को नमक और तेल से मालिश करता है, निचला तंत्र का जीभ बढ़ा करके तालू में एडजस्ट करता है, और कुंभक रेचक पूरक क्रियाओं द्वारा फिर इंडा पिंगला को खोलता है, शरीर की समस्त वायुओं को यहाँ लाकर निरोध करता है, और योगी एक विधेय स्थिति को प्राप्त करता है। मुझे ये बताओ, ये है योग। उसके बाद बाकी क्रिया शुरू होती है। ये कितना टफ है, एक काम काज करने वाला गृहस्थ आश्रम में रहने वाला आदमी ये क्रिया करना मुश्किल होगा, काफी टफ है। पंच मुद्राओं का योग, खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी। सुनिए, हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी किसकी है, स्वस्थ की, स्वास्थ्य विभाग, पढ़ाई की, शिक्षा विभाग, सुरक्षा देश की बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, डिफेंस उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह देश में भक्ति की जिम्मेदारी किसकी है, भक्ति का कर्णधार कौन है, छह लोग हैं, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, कर्मकांडी ब्राह्मण और दरवेश। इनको कहते हैं खट दर्शन। ये क्या कहलाते हैं, खट दर्शन, जोगी, जंगम, सेवड़ा, ब्राह्मण, कर्मकांडी, सन्यासी और दरवेश। मोस्टली ये छह लोग भक्ति का प्रचार करते हैं। देखते हैं ये छह क्या बोल रहे हैं। जोगी मैंने अभी आपको बताया,
पंचमुद्राओं के योग के द्वारा अपने अंदर ज्योति जगाने के लिए बोल रहा है, अपनी क्रिया है ये। जंगम शिवजी का ब्याह कराते हैं, उनके भजन आदि गाते हैं, मयूर पंख और घंटी बजाते हैं, जंगम लोग देखे होंगे। सेवड़े कौन है? तीसरा महकमा है सेवड़ा, वो टोटका, टोना, जादू, जंत्र, मंत्र, तंत्र, इनके द्वारा काम करते हैं। लोग नहीं जान सके, निर्मल बाबा टोटका बताते हैं, ठीक है। टोटका ये है कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब उधर से नहीं है, ये टोटके है, ऊपर से कौआ गुजर गया, अब ये काम नहीं करना, दूध पी करके घर से बाहर नहीं निकलना। इसलिए वो कहते हैं भैया दही खाई, दही बड़ा खाया, चटनी कौन सी थी, ये टोटके हैं, इसको क्या कहते हैं, टोटका। लोग दरअसल उन्हें समझ नहीं पाए, ये टोटके हैं। टोना, ये टोना क्या होता है, जैसे कोई कुछ पढ़कर किसी के ऊपर मूंग के दाने फेंक दिए, कहीं रोड पर घड़ा तोड़ करके सिंदूर रख कर आए, पूरे देश में एक ही बात है। और तंत्र विद्या काला इलम, मारण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण मरण आदि, ये जो इसको, ये किसकी भक्ति करते हैं, ये प्रेत आत्माओं को भी आहूत करते हैं, चंडी, काली, कुछ शिवजी, कामाख्या जी, काली कलकत्ते वाली, ये तामस भक्ति कहलाती है, वो ये कर रहे हैं। क्या उनको कोई मान रहा है? देश में बहुत लोग हैं जो इस डगर पर चल रहे हैं, इस रास्ते पर चलने वाले काफी लोग हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण क्या बताया, इस तिथि को ये कार्य करना, पुण्य मिलेगा, ये दान देने से ये लाभ मिलेगा, ऐसे स्वर्ग पहुंचोगे, अमावस्या को ये करना, द्वितीया को ये करना, खटकर्म ये बता रहे। दरवेश सूफियत, वो थोड़ी थोड़ी सूफियत की बात भी बोल रहे हैं, कब्रों को भी पूजा आदि, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये है छह दर्शन, ठीक है। अब यहाँ साहब एक बात बोल रहे हैं, जोगी जंगम सेवड़ा ब्राह्मण सन्यासी दरवेश, कहे कबीर ये खट दर्शन सभी काल के रेश, ये सब निरंजन तक की भक्ति कह रहे हैं, काल पुरुष की तक की भक्ति कह रहे हैं। पहली बात यह है। अब संतत्व की धारा क्या, आपको एक तीसरी भक्ति भी बताता हूँ, खिचड़ी भक्ति। भैया ये खिचड़ी क्या होती है तुलसी जी? हाँ, सब मिलाकर चावल उसी में, आलू उसी में, प्याज भी डाल दिया, दाल भी डाल दी, वो है खिचड़ी। दरअसल भक्ति के तथ्य को पहले समझना है। मैं ये कह रहा हूँ वर्तमान में हमारे देश में जो संतत्व की धारा की भक्ति है वो भी दूषित हो गई है, इसकी वजह बताऊंगा आगे। ये दो भक्तियाँ प्रचलित थी, सर्वगुण और निर्गुण। सर्वगुण उपासना बहुत बाद में चली है, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे वो सभी ध्यान करते थे, जैसे सुखदेव जी थे, अगोचरी मुद्रा में गए, राजा जनक थे उन्मुनि मुद्रा में गए, वेदव्यास जी थे भूचरी मुद्रा में गए, गोरखनाथ जी थे चाचरी मुद्रा में गए, सुखदेव जी थे अगोचरी मुद्रा में गए, ये पांच मुद्राएं थी, चाचरी, भूचरी, उन्मुनि, अगोचरी और खेचरी। चाचरी में साधक ध्यान यहाँ केंद्रित करता है, इसके एक्सपर्ट गोरखनाथ जी थे। भाई फौज में है, फौज है, महकमे है नहीं है, ऑर्डिनेंस है, एसी है, एजुकेशन है, मेडिकल है और फाइटिंग ट्रूप है, देखा फौज। लेकिन कह रहा है बुरी फौज, महकमे अलग है। भूचरी के एक्सपर्ट थे वेद व्यास जी।
का तुले सत्संगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। भाई फौज में है, फौज है, महकमे है, नहीं है, ऑर्डिनेंस है, एसी है, एजुकेशन है, मेडिकल है और फाइटिंग ट्रूप है। देखा फौज, लेकिन क्या कह रही है, बुरी फौज, महकमे अलग है। भूसरी के एक्सपर्ट थे वेद व्यासी, अगोचरी के एक्सपर्ट थे सुखदेव जी, उन्मुनि मुद्रा के एक्सपर्ट थे राजा जनक जी, और खेसरी के एक्सपर्ट है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। ये पंच मुद्राएं थी। सर्वगुण भक्ति तो बहुत बाद में आगे चल करके आई है, ये दो भक्तियां प्रचलित थी। तीसरी भक्ति फिर साहेब लाए। हमारे वेद भी दो भक्तियों तक बोल रहे हैं। चार वेदों में 100,000 श्लोक है, उसमें 80,000 श्लोक कर्मकांड पर है। कृताकृत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये 16,000 श्लोकों में विविध कथाएं, देवताओं के गुण, उनकी पूजा करने की पद्धतियां आदि है। उपाला ज्ञान के 4,000, ये 16,000 श्लोक है। 4,000 श्लोक परमात्मा के अस्तित्व, सृजन, उत्पत्ति आदि इसके विषय में ज्ञान देते हैं। वेद चार मुक्तियां बोल रहा है, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। वेद में चार मुक्तियां हैं, लेकिन चारों मुक्तियों के बाद जन्म लेना है। सामीप्य में पितरादि लोकों पर पहुंचेगा, हजारों साल वहां रहकर फिर जन्म ले लेगा। सालोक्य में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति कर लेगा। सारूप्य में ब्रह्म पद की प्राप्ति, सायुज्य में निराकार की प्राप्ति। मैंने अभी आपको जब बताया खट दर्शन, उसमें एक छूट गया था सन्यासी। मैंने अभी आपको बताया जोगी क्या बोल रहा है, जंगम क्या बोल रहा है, सन्यासी ये छोड़ दिया था मैंने। सन्यासी कहते हैं वो भगवा वस्त्र धारण करता है, सर मूछ दाढ़ी बाल घोटम घोट कर देता है, साफ कर देता है, इसलिए करता है मैं कुरूप दिखूं। वो कहता है इंद्रियों का दमन करो, संयम करो, मन बुद्धि चित्त अहंकार का नियंत्रण करो, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करो, मरने के बाद ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। यानी सन्यासी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बोल रहा है, लेकिन ये सारूप्य मोक्ष है, पढ़ने के बाद जन्म लोगे। वो भी कह रहे पढ़ने तक तुम्हारी छुट्टी है, आवागमन का नितांत एंड नहीं होता। तो दो चार तरह की मुक्तियां हैं। साहेब आए, 14 लोग तक की बात शास्त्रों में है, पहले बात समझने की जरूरत है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग जंगाओं तक है, 7 ऊपर है सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, शक्तिलोक, आत्मलोक, परमात्म लोक। परमात्म भी निरंजन का नाम है। सुनिए, मूलाधार चक्र पर शिवलोक, सिद्धलोक,
इसलिए योगी लोग प्राणों का आयाम मूलाधार चक्र से ही प्रारंभ करते हैं। शिशिरेन्द्र पर ब्रह्मलोक, यहाँ ब्रह्मा जी का वास है, यहीं से सृष्टि है। नाभि में मणिपूर्वक चक्र विष्णु लोक, क्योंकि ये पालन करता विष्णु यही, पूरे शरीर को ताकत, शरीर या पिंडे सब्रमंडे, पूरे शरीर को शक्ति पेट से मिलती है। जो आप आंखों से देख रहे हैं ये भी पेट से मिला, जो आपने हाथ यूं किया ये भी पेट से मिला, पूरे शरीर का संचालन पेट करता है। चौथा अनहत चक्र शिवलोक, शिव अहंकार के देवता है। बड़े बड़े ज्ञानियों से मैं पूछता हूँ, भाई शरीर के अंदर सभी देवता अपना मुख्य काम कर रहे हैं, गणेश जी सिद्धि विनायक हैं, गुदा स्थान पर हैं, ब्रह्मा जी शिशिरेन्द्र पर हैं, वहीं से ही सृष्टि चल रही है, मैथुन सृष्टि, विष्णु जी नाभि में पालन का कार्य कर रहे हैं, पेट ही पूरे शरीर को ताकत दे रहा है। शिवजी अनह चक्र में अहंकार के देता है, वो क्या कर रहे हैं, तमोगुणी, अहंकार क्या है, जो इंडिविजुअलिटी की फीलिंग है, मैं समरसन हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, ये शिव है, मैं चल रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये अज्ञानानुभूति है, ये शिव संचालित कर रहे हैं। जो आप खड़े हो गए, ये मैं हूँ, ये अनुभूति शिव है। कंठ में आदिशक्ति है, वो क्या कर रही है, जो वाक्य आप बोल रहे हैं वाक्य बनाती जा रही है। आज्ञा चक्र में आत्मा है, वो क्या कर रही है, पूरे शरीर को संचालित करने की ऊर्जा दे रही है ब्रीथिंग द्वारा। सहस्त्र सार सातवां लोक है, पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र शिशिरेन्द्री, तीसरा मणिपूरक चक्र जहाँ विष्णु जी का वास है, चौथा अनहत चक्र जहाँ शिव जी सभी अपना काम कर रहे हैं, शिव जी है, पांचवा विशुद्ध चक्र कंठ में आदिशक्ति है, ये बोलने चालने का काम हो रहा है, छठा आज्ञा चक्र यहाँ आत्मा है, ब्रीथिंग ले रही है, शरीर चल रहा है, सातवां सहस्त्र साल यहाँ परमात्मा, परमात्मा मन को कहते हैं, इसका वास है। वो क्या कर रहा है, देखो सबसे ऊपर जगह पर है, वो सब काम उसी की इच्छा से होता है। कहते ना कि प्रभु की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, आओ मैं ये भी समझाता हूं। फिल्मी दुनिया वाले भी कह रहे हैं, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जो भी आपकी एक्टिविटी है ये मन द्वारा है, आप घूमने जा रहे हैं ये भी मन ने किया, आपने उठकर किसी को तमाशा मारा ये भी मन ने किया, आप रोटी खा रहे हैं ये भी मन ने किया, जितनी आप एक्टिविटी कर रहे हैं मन द्वारा है ना, उसकी इच्छा के बिना पता नहीं लगा, क्योंकि वो तरंगे मन देता है किसको, ब्रेन को, उसके बाद ब्रेन काम कर रहा है। जो आप कहीं कहीं मेरी आलोचना देख रहे हैं ये पहले से ही तय है, साहब कह के गए थे निरंजन आकर नाम लेकर के काम चलाएगा, ठीक है, ये वो काम है, ये नया नहीं है। सुनिए अब आप देखें, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो रहा है, जो चोर चोरी करे उसको भी वही प्रेरणा दे रहा है, ध्यान से सुने मेरी बात। ये 14 लोक हुए, आगे वेद कह रहा है नेति, आगे नहीं जान रहा हूं, आगे 7 ब्रह्मांड में लोक है और महाशून्य में,
अचिंत सुरति, सुहंग सुरति, ये महाशून्य में है, मीन्स महा आर्टिकल नहीं है। मूल सुरति, अंकुर, अंकुर लोक, इच्छा लोक, वाणी लोक और सहज लोक, ये सात आकाश है, ये सात महाशून्य है जिसमें ऐसे अनंत ब्रह्मांड मिलेंगे। इस शून्य के अंदर, जो तीन लोक के अंदर 90% आर्टिकल्स है, 10% आर्टिकल्स है, 90% स्पेस है। जैसे भाई घर बनाते हैं ना, 1000 स्क्वायर फीट घर है आपका प्लॉट है, तो गवर्नमेंट कहती है कि एनवायरनमेंट के लिए आपने चौथा हिस्सा छोड़ना, 750 में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, 250 फीट ओपन छोड़ना है। इसी तरह 10% आर्टिकल है, 90% शून्य है, इस शून्य में। लेकिन महाशून्य में आर्टिकल 1% भी नहीं है, ऑनली शून्य है। इस शरीर के अंदर पांच तत्व का भी केंद्र है भाई, शरीर पांच तत्व का है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, पांचों तत्व को मेंटेनेंस किया जा रहा है। पृथ्वी तत्व तो गुदा स्थान पर है, जो आप भोजन खाते लिक्विड जाकर उस थैली पर पहुंचता है वहां एसेंबल होता है, वहां पृथ्वी तत्व है। जल तत्व मूत्राशय के पास में, जहां हमेशा ये जगह ठंडी मिलेगी, जल तत्व यहां। वायु तत्व का सेंटर शून्य, नाभि में। अग्नि तत्व मुख में। आकाश तत्व शिश्ना के अंदर शून्य में, इसलिए आकाश ब्लैक मैटर, वहां मन है इसलिए वो पता नहीं चलता है। वो पता नहीं चलता है, वहां बैठ करके ये पूरा काम कर रहा है। कालांतर में कुछ लोग हुए, उसके बाद साहेब आए, जो योगेश्वर हैं वो महाशून्य तक जाते हैं, ज्यादा लोग नहीं जा पाए। भाई आप पानी में गोता भी लगाते हैं ना, डुबकी, गोता, लेकिन गोता लगाने वाला समुद्र में जा सकता है क्या? नहीं, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है तो वो तल तक जाता है। इसी तरह ये 14 लोग तक का वर्णन है, ये 21 भवन हुए। इससे परे अमर लोक है, साहेब वाणी में कह रहे हैं, सहज अंश लग जेतिक भाखा, सब रसना पढ़ ले तर राखा। सहज अंश तक जितनी भी रचना है ये नाश हो जाती है। आगे अच्छे लोग हैं भाई, तहां नहीं पढ़ ले की छाया, वो निष्धाम है, आत्मा का वो देश है, आत्मा का ओरिजिन वो है। इसी को साहेब कह रहे हैं, हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई हो, 5-25-3 का पिंजरा ता में तुह राखा भरमाई हो। तो सर्वप्रथम साहेब वहां से आए, कोई भी अपनी साधना से नहीं जा सकता। हाँ, इन तीन लोक तक की चार मुक्तियां मनुष्य कर्म से प्राप्त कर लेगा, इसलिए योगी भी कर्म बोल रहा है। योगी लोग गुरु को नहीं मानते, मूर्ति पूजा भी नहीं करते, गुरु एक दर्शक के मात्र है, आगे कमाई करनी है। सर्वगुण में गुरु का स्थान गौण है, सर्वगुण भक्ति में गुरु क्या करता है, आपको बताता है, वैष्णव ताड़क मंत्र देता है, वैष्णव रहना है, बताता है, क्या बताता है,
सुनो, पाप नहीं करना, तीर्थ करना, दान पुण्य करना, अच्छे कर्म करना, भागवत लो बांचना, ठाकुर पूजा करना, चार धाम करना, पुण्य मिलेगा और विष्णु धाम को प्राप्त हो जाओगे। उसने किनारा कर दिया, ये तुम्हें करना है बोला। सर्वगुण गुरु ने क्या कहा, कर्मवाद सिखाया, ये तुम्हें करना है। अब ये सदगुरु क्या है, यहां दुनिया उलझती है। कई लोग कहते हैं, हम कह रहे हैं भाई ये करो तब पार हो जाओगे, कोई कह रहा कमाई करो पार हो जाओगे, ये कह रहा गुरु पार करेगा, हमें पता नहीं चलता गुरु कैसे पार करे। वो ठीक बोल रहे हैं, उनको अब ये पता ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है ना। आओ हम, मैं इसकी पुष्टि करता हूं। यहां तक कर्म है, आगे आदमी कर्म से नहीं जा सकता है बिना गुरु सदगुरु कृपा के। पुष्टि देता हूं, गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा, ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। भाई ये साधना से नहीं होगा, तुम्हारी कृपा से। साहेब भी कह रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे। साहेबाणी में क्या ना कुछ किया, भाई आपको कहें दौड़ो आप दौड़ लेंगे, आपको कहें तैरो आप तैर लेंगे अगर सीखा है, आपको कहें उड़ो आप नहीं उड़ पाएंगे, आपके पास साधन नहीं है। इसलिए अमरधाम की प्राप्ति बिन सदगुरु पावे नहीं कोटिन करे उपाय। साहेब ने आकर ये बात बोली, क्योंकि पहले ये देखना है मनुष्य जो एक्टिविटी करता है वो सब किससे है, ब्रेन से। दिमाग स्वयंभू नहीं है, इसको मन संचालित करता है, इसलिए कर्म ज्ञान इंद्रियों से वो परे हैं। गीता में कह भी रहे हैं, धर्मशास्त्रों में भी आ रहे हैं। इसलिए हम अपने प्रयास से क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हमारा प्रयास कहां तक है। कर्म ज्ञान इंद्रिया और अंतःकरण की चार इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, अंतःकरण की चार इंद्रिया, इसके द्वारा वो परम सत्ता प्राप्त नहीं होगी। अब पहले बात समझे, पांच कर्म इंद्रिया है, गुदा, शिश्नेन्द्रिय, मुंह, पैर और हाथ, ये कर्म इंद्रिया है। गुदा मलमूत्र उत्सर्जन कर रहे, शिशिन से मलमूत्र बाहर जा रहे हैं और उत्सर्जन कर रहे हैं मनुष्य। मुख से खाने की क्रिया हो रही है, पैरों से चलने की क्रिया हो रही है, हाथों से। ये कर्म इंद्रिया क्यों कर, ये ज्ञान इंद्रिया नहीं है, इनका संचालन ब्रेन करता है। ज्ञान इंद्रिया आँख, नाक, मुख, कान और त्वचा, स्किन। मुंह कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है, बोलने का काम भी कर रहा है। आंखों से देखने का काम, कानों से सुनने का काम, नाक से सूंघने का काम। बाल्टी में पानी ठंडा है गर्म है, आंखें नहीं बता सकती, हाथ डाल कर देखते। ये पांच ज्ञान इंद्रिया है और चार अंतःकरण की इंद्रिया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चार अंतःकरण की इंद्रिया है, उसे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी हम दिमाग लड़ा करके भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये तो मन है। फिर हमारे पास साधन क्या है, मन लगी नाम गुरु का ले।
सत्संगी।